प्रेस वार्ता का उद्देश्य, सांसद हेमा मालिनी विगत 10 वर्ष से मथुरा की सांसद है, वे एक अच्छी सिने तारिका है। पिछले 10 वर्षों में 10 विकास कार्यों के नाम बताएं जो उन्होंने किए हो। चुनाव के दौरान बड़े बड़े वायदे करना व ब्रजवासियों को मुंगेरी लाल जैसे सपने दिखाने की बात अपने संबोधन में बोली। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान हेमा मालिनी ने मथुरा को जाम से मुक्त कराने की बात बोली व यमुना मैया को पिछले 10 वर्षों से अविरल करने की बात की, जबकि भाजपा की प्रदेश और देश में सरकार है। मथुरा राया में लोग जल रहे थे तो हेमा मालिनी ब्रज उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मीरा बनकर नृत्य करने में व्यस्त थी। लोकसभा चुनाव के दौरान किसान गेहूं की फसल काट रहे तो सांसद उनके साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपने आप को किसान हितेशी साबित कर रही थी। अभी हाल ही में किसानों की फसल चौपट हो गई। हेमा मालिनी ने किसानों की कोई सुध नहीं ली। हेमा मालिनी कृष्ण जन्माष्टमी पर राधा बनकर मुख्यमंत्री योगी के सामने नृत्य की प्रस्तुति कर रही थी। सांसद जी एक अच्छी सिने तारिका है, लेकिन इसके साथ साथ वर्तमान में वह एक जनप्रतिनिधि है। एक जनप्रतिनिधि को जनता के आवश्यक कार्य करने चाहिए, ना कि नृत्य की प्रस्तुति। इसे काम नहीं चलने वाला। मथुरा जनपद की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होने की जगह गड्ढा युक्त हो गई हैं, लेकिन सांसद का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है। आज प्रेस वार्ता आप देख रहे हैं, पूरे जनपद में सड़कों बिल्कुल टूटी हुई है, हाल बेहाल है। आप देखती है कि कुछ थोड़ी सी बारिश पड़ जाती है, पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। अभी मैंने देखा पूरे शहर में सांसद महोदय द्वारा बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाई गई हैं और वो एक दुर्गा का, जिसमें ओम बिरला उपस्थित रहेंगे तो वो दुर्गा की नृत्य प्रस्तुत करेंगी, और उस होर्डिंग के नीचे लिखा है उन्होंने केवल आमंत्रण पत्र को ही प्रवेश मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, एक मथुरा के नागरिक होने के नाते, एक हमारी वो सांसद महोदय, क्या केवल आमंत्रण पत्र में कुछ ही लोगों को बुलाया जाएगा? हम पूछना चाहते हैं और अपील भी करते हैं उनसे कि वो पूरे ब्रज के ब्रजवासियों के सामने भी अपनी एक नृत्य की प्रस्तुति दें। जब राया में लोग जल रहे थे तब सांसद महोदया ब्रज उत्सव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नृत्य में व्यस्त थी। अभी हाल ही में आपने देखा पूरे जनपद में किसान फसलों से त्रस्त है, पूरी फसल चरमरा गई है, किसान दुखी है। सांसद महोदया को किसानों का हाल जानने के लिए समय नहीं है, लेकिन उनको यहाँ पर ब्रज में एक नृत्य प्रस्तुति की लिए समय है। आप देख रहे हैं, उन्होंने चुनाव के दौरान कहा था कि इस मथुरा में जो जाम लग रहा है, उस जाम से मैं सांसद बनूंगी तो मैं इससे निजात मुक्ति दिलाऊंगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी यमुना पूजन, जब नॉमिनेशन करने के लिए जाती हैं तो हर बार ये कहती हैं कि मैं यमुना को अविरल करूँगी, जबकि उनकी देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी, यही भाजपा के लोग आए दिन हथरी कुंड को लेकर और रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन का काम करते थे। पूछना चाहता हूँ सांसद हेमा जी से, वो यदि वो वास्तव में वो यमुना की बात करती हैं, यमुना की कभी पटरानी भी बनती हैं, कभी उन्हें यमुना जी का, कभी अभी लोकसभा चली उन्होंने उसका प्रश्न उठाया, मैं उनसे अपील करता हूँ और उनसे कहना चाहता हूँ कि यमुना को तत्काल प्रभाव से जिन्होंने जो वायदे किए हैं उसको अविरल करें। आप देख रहे हैं कि अभी हाल ही में तमाम उन्होंने एक मंकी सफारी की बात की, पूरे मथुरा वृंदावन में, मथुरा शहर में तमाम परिवार बंदरों के आतंक से अपने परिवार को खो बैठे हैं, लेकिन हमारी सांसद महोदया नृत्य करने में, कभी दुर्गा का रूप, कभी मीरा का रूप, कभी राधा का रूप, अभी योगी जी आए थे जन्माष्टमी पर, उन्होंने भी राधा का रूप बन के नाची थी। मेरा सांसद महोदया से ये कहना है कि इन ब्रज के ब्रजवासियों के नृत्य से काम नहीं चलेगा। आप यहाँ के एक सांसद हैं, यहाँ के एक जनप्रतिनिधि हैं, आपको यहाँ के विकास की बात करनी पड़ेगी, यहाँ के गरीब मजदूर किसानों की बात करनी पड़ेगी, और जो आपने बड़े बड़े वादे किए थे उन वादों को आपको खरा उतरना है, इसलिए ये प्रेस वार्ता की गई है। यदि सांसद महोदय ने इन बातों की ओर अपना ध्यान नहीं दिया, हम उनको ज्ञापन देंगे, ज्ञापन के माध्यम से भी नहीं मानी तो हम सांसद के घर का घेराव करने का काम करेंगे और उन्होंने जो वायदे किए हैं उनको जगाने का काम करेंगे, और तब भी बात नहीं बनेगी तो हम सड़क से लेकर सदन तक फिर पुनः सांसद हेमा जी को इतना विवश कर देंगे कि आप यहाँ की सांसद हैं ना कि बहुत अच्छी सिने तारका हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में उनको सोचना चाहिए कि मैं यहाँ की जनप्रतिनिधि हूँ, यहाँ के लोगों के सुख दुख में शामिल हूँ। अभी आपने देखा बीएसए कॉलेज के पीछे टंकी गिर गई थी, वायदा करके आए थे
कि वहाँ के लोगों के मकान जो टूट गए उनके मकान बनेंगे, पूछना चाहता हूँ क्या उनके मकान बन गए। ये सब बातों को लेकर आज हमने एक प्रेस वार्ता की है। यदि इन्होंने अपना ध्यान इसकी ओर आकर्षित नहीं किया गया तो सड़क से लेकर आज महानगर कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य है हमारी जनपद की फिल्म अभिनेत्री सांसद महोदया श्रीमती हेमा मालिनी जी के ऊपर रखी गई है, क्योंकि तो आपने देखा अभी 6 तारीख को उनका प्रोग्राम है हेमा मालिनी जी का, उसमें दुर्गा का रूप करेंगी। और कुछ दिन पहले मोदी जी आए थे, जब वो गोपी जी का उन्होंने रूप किया था, और फिर योगी मोदी जी आए थे, जो योगी जी आए थे उन्होंने राधा जी का रूप किया था। इसी को लेकर हम उन्हें अवगत कराना चाहते हैं और उन्हें जगाना चाहते हैं इस प्रेस माध्यम से कि आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं महोदया। तो आपसे हमारा निवेदन है कि आप मथुरा की वो मूलभूत समस्या है, जैसे कि आपने देखा अभी वर्षा हुई, पूरा शहर जलमग्न था, कोई ऐसा रोड नहीं था, ऐसी जगह नहीं थी शहर की, चाहे पुराना बस स्टैंड हो, नया बस स्टैंड हो, भूतेश्वर हो, मसाने लिंक रोड हो, वहाँ 1 हफ्ते तक पानी भरा था। तो इस ओर उनका कोई ध्यान नहीं है, जनता की समस्याएँ मूलभूत समस्या उसी ओर ध्यान नहीं है। आपने देखा कि उन्होंने एक वादा किया था मंकी सफारी को लेकर, क्योंकि मथुरा में एक बहुत बड़ी समस्या है बंदरों को लेकर, उससे हम सभी लोग नहीं पूरे ब्रजवासी जूझ रहे हैं बंदरों से। आपने देखा बंदरों से अनेकों लोगों की जानें चली गई, उन्होंने मंकी सफारी का वादा किया था तो केवल एक कोरी घोषणा है और कुछ नहीं हो रहा। तो इसलिए इसके माध्यम से हम जहाँ चाहते हैं, अगर वो नहीं जागी प्रेस के माध्यम से, हमारे लोकसभा प्रत्याशी महोदय श्री मुकुल ने बताया कि उनकी निवास का हम घेराव करेंगे और पुरजोर तरीके से निवास का घेराव करेंगे ताकि वो हम जाते आपके पास। आज हमने आपको बुलाया है इसके लिए, भाई मोटरसाइकिल जाएगी हमारे यहाँ।